जबलपुर में एक किसान को सरकारी तंत्र ने मृत घोषित कर दिया। ऐसे में अब किसान अपने आप को जीवित बताने के लिए दर दर भटक रहा है। मामला जबलपुर के कुन्नम तहसील के बगराजी गांव का है, जहां किसान को 2019 में सरकार से किसान सम्मान निधि स्वीकृत हुई और दो साल तक मिली भी, पर अचानक 2021 में किसान सम्मान निधि यह बताते हुए बंद कर दी गई कि उसकी मौत हो गई है, इस वजह से उन्हें राशि नहीं दी जा रही है। किसान बीते दो सालों से अब अपने आप को जीवित बताने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। जहां एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर्यवेक्षकों की हड़ताल जारी है, वहीं आज फिर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर हुई अनियमितताओं को लेकर प्रशासन द्वारा दंडित किए जाने की कार्यवाही को माफ करने को लेकर आवेदन मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई इसी तरह निरंतर जारी रखेंगी। आंदोलन आगे चल रहा है, 15 तारीख से हम निरंतर आंदोलन पे हैं और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन ये जो आंदोलन चलने के बाद में अब कल से हमारे सुपरवाइजर के ऊपर, परियोजना अधिकारी के ऊपर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। इसीलिए आज ये जितनी जनता सामने उमड़ रही है, ये पूरी ताकत के साथ अपनी मांगों को लेकर के इस आंदोलन में है और जो शासन का एक अन्यायपूर्ण रवैया है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। मैं गढ़ा थाना अंतर्गत एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने सहित पति पर अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए गढ़ा पुलिस ने बताया कि थाना अंतर्गत पंचशील कॉलोनी की रहने वाली 32 वर्षीय महिला ने थाने में आकर सूचना दी थी कि उसके पति गौरव सोनी, उसके ससुर, उसकी सास लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं उसका पति दहेज लाने की बात न मानने पर क्रूरता से अप्राकृतिक कृत्य करता है। रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर महिला थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार पति, ससुर, सास की तलाश शुरू कर दी है। प्रगतिशील कॉलोनी निवासी नर्मदा रोड निवासी एक महिला ने अपने पति गौरव सोनी और उनके पिता राम कुमार सोनी एवं सास सरस्वती सोनी के विरुद्ध मारपीट, छेड़खानी, अप्राकृतिक मैथुन एवं दहेज प्रताड़ना संबंधी अपराध दर्ज कराया है, जो उसकी रिपोर्ट पर तीन व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर और विवेचना की जा रही है। मदन महल थाना अंतर्गत पुलिस ने उत्तर प्रदेश से दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी जीजा को दबोच लिया है। आरोपी ने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर पहले तो नाबालिग साली का अपहरण किया और फिर उसकी मांग भरकर शादी रचा ली। मामले की शिकायत के बाद पुलिस टीम मथुरा जाकर आरोपी राहुल चौधरी को दबोच लिया और नाबालिग को दस्तियाब कर लिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मदनमहल थाने में गंगा सागर अकबर के बाड़े के पास एक लड़की रहती थी और वो अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई। उस पर हम लोगों ने 363 कायम किया था, उसकी तलाश कर रहे थे। तलाश के दौरान ये पता लगा कि उनके बहन का देवर वो बीच में आया हुआ था और इनके बीच में कुछ बातचीत की भी हम लोगों को जानकारी मिली। फिर उसमें हम लोगों ने आगे डेवलपमेंट किया और आगे फिर मथुरा टीम भेजा, तो मथुरा से फिर उसको बरामद किया। तो उसमें महिला फैसला के उसके साथ अवैध संबंध बना लिया था और उसको शादी करने के झांसा दे रहा था, तो उस पर हमने उसको अरेस्ट करके उसको भेज दिया है। मामले की विवेचना जारी है। जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर दिनारी खमरिया स्थित पहाड़ों में स्वयंभू उत्पन्न मां शारदा की महिमा दूर दराज इलाकों तक फैली हुई है, जहां नवरात्र पर्व के दौरान माता के धाम में भक्तों का तांता लगा रहता है। वर्षों से मंदिर में आ रहे भक्त गोविंद सोनी ने बताया कि इस धाम में उन्होंने चमत्कार होते हुए देखा, जहां माता शारदा की शरण में जो भी अपनी समस्या लेकर आता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान धाम में होता है। नवरात्र पर्व में शारदा धाम में विशेष आयोजन 9 दिनों तक चलते हैं, जहां इस आयोजन में दूर दूर से भक्त अपनी अर्जी लगाने पहाड़ों में विराजी माता के दरबार में पहुंचते हैं। वहीं अष्टमी नवमी के दिन मंदिर में कन्या भोजन का आयोजन किया जाता है। वहीं मंगलवार और शनिवार को मंदिर के प्रांगण में चौकी लगाई जाती है, जिसमें अपनी समस्याएं लेकर पीड़ित लोग दूर दराज से आते हैं। ये सलहाई धाम है दिनारी खमरिया,
और माता जी यहाँ निकली रही, सपना दिए रही पंडा को जी। तो फिर गांव बस्ती के लोग जुड़े और आके उन्होंने माता की आरजी विनित करा और माता को निकाले और माता निकली और पूजा भक्ति आदमी सब आके करते हैं और मनोकामना पूर्ण भी होती है और होती रही है और होती जा रही है। 1980 की बात है और माता ने सपना दिया था 1980 में, जब से माता यहाँ विराजमान है और चल रहा है स्थान और आदमी आते हैं, लोग बाग आते हैं, दूरे दूरे से बहुत आते हैं और आरती वंदन करते हैं, जो भी मनोकामना होती है उनकी पूर्ण होती है। जानवर आते हैं और जो चीतरा होते हैं, खरगोश होते हैं और हिरण होती है और भी जो लड़ैया होते हैं, सुंगर होते हैं, तो ये सब आते हैं यहाँ। और आप आकर देखना है आपको तो आप सुबह आइए या फिर दोपहर के मान लो जैसे 1 बजता है जब यहाँ कोई नहीं रहता, जब आते हैं तो आपको मिलेंगे और जब बारिश होती है, घास जमाती है, जब और अधिक मिलते हैं। यहाँ की महिमा ये है कि मेरे को पहले मालूम नहीं था, जब यहाँ पर मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते पढ़ते ऐसी जानकारी मिली कि दिनारी खमरिया शारदा मंदिर में जंगल में वहाँ पर माता जी विराजमान हो रही हैं। जैसी हमको जानकारी मिली तो हम लोग स्कूल से सब बच्चे लोग सब कोई आए यहाँ आए, तो यहाँ पर जो पहले से जिसकी लगन लगी रही पंडित जी रम्मो पटेल हैं दिनारी खमरिया के, उनकी यहाँ पर हमेशा आना जाना, यहाँ पर उनका मन भाव लगा रहा है। यहाँ पर जब हमको जानकारी मिली तो यहाँ पर पंडित जी मतलब अपनी बैठे थे, फिर इसके बाद में बोले कहन कि अब भी 10:34 में दर्शन माता जी के हो जाएंगे। यो माता जी ना दर्शन दी न दिखी तो पंडित जी ने जो रमू पटेल ने अपनी जीप काट की और उन्हें चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया। दर्शन इसके बाद में माता जी के दर्शन हुए, माता जी के जब दर्शन हुए तो लियो गांव बस्ती पूरी मतलब हजारों गांव की जनता सब टूट गई, मतलब यहाँ पे अच्छी पूजा मामता चढ़ोतरी सब कुछ होने लगी।